ओके थैंक यू। बोल साचे दरबार की जय। लेट्स गो, लेट्स राइड, लेट्स राइड। या वी कैन गो लेफ्ट, लेफ्ट, या या या। ओके सो फाइनली आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 3 years वी आर अगेन राइडिंग टू लद्दाख। वी आर रेडी टू गेट लेड। अभी हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है अपने बेस से विच इज कालका जी। माई मीटर इज शोइंग 2114। सो दैट्स द रीडिंग, वील कीप अ रिकॉर्ड। 2114 लीड में है नीरज जी, उसके बाद अभिषेक एंड देन आई एम हेयर। आगे हमें दर्पण जी ज्वाइन करने वाले हैं। ही'ल बी मीटिंग अस एट द सिंधु बॉर्डर मकरबा चौक एंड द प्लान इज की फ्यूल अप करना है हमें टैंक्स को, सो वील गेट इट डन देयर ओनली। और अभी इससे पहले हमें जाना है पंजाब भवन, मेरे मामा हैं जो वहाँ मिलने वाले हैं। ही सेड कि आप हमसे मिल के जाना, ही वॉन्ट्स टू गिव अस समथिंग फॉर सम गुड विशेज एंड ऑल। सो दैट्स द प्लान फॉर नाउ। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम कालका जी, टाइम इज समथिंग अराउंड रफली अबाउट 12:45। और वैसे आज सुबह हमारा 4 बजे निकलने का प्लान था, बट दर्पण जी का कन्फर्मेशन थोड़ा लेट आया, रात को 1:30 बजे उनका कन्फर्मेशन आया। सो उस चक्कर में हमें डिले करना पड़ा अपना पूरा प्रोग्राम, बट कोई बात नहीं, देर आए दोस्त आए, काम होना चाहिए, राइड अच्छा होना चाहिए। वी ऑलवेज वॉन्टेड दर्पण जी टू बी ऑन दिस राइड। एक ये दुनिया है जहाँ से हम इतने ट्रैफिक में से निकलेंगे और 2 से 3 दिन बाद की दुनिया को इमेजिन करो, जहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ होंगे और बीच में खाली रोड होगी और हम वहाँ पे राइड कर रहे होंगे। जस्ट इमेजिन। ओके दिस इज इंडिया गेट, वी आर क्रॉसिंग द इंडिया गेट, नाउ वी आर हेडिंग टू पंजाब भवन। वहाँ पे मामा जी हैं, उनके एक फ्रेंड है हू इज वेटिंग फॉर अस, दैट्स हैदराबाद हाउस। तो उन्होंने 5 मिनट मिलने के लिए बोला हमें, हम 5 मिनट उनसे मिलेंगे, देन वील टेक द रिंग रोड होपफुली। देखते हैं आगे जो लीड पे चल रहे हैं नीरज जी कहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि दर्पण जी से जो हमारा टाइम फिक्स हुआ है वो 2 बजे का टाइम फिक्स हुआ है, और सिंधु बॉर्डर पे 2 बजे मिलने का प्लान है। अभी तक तो एज पर प्लान चल रहे हैं, बाकी देखते हैं, ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक। अपना ही मज़ा है, जब निकले थे तो धूप गर्मी लग रही थी, अब मौसम ने एकदम से करवट बदल ली है, ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी बारिश हो जाएगी। ये आई थिंक ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि बॉस आप जा रहे हो तो अच्छे मन से और अच्छे मौसम में जाओ। वाह वाह क्या शायरी होगी।